सबसे पहले मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस टाउन एरिया में आकर के जो जन समर्थन समाजवादी पार्टी के नौजवान चेयरमैन को मिला है, उसके लिए मैं चेयरमैन जानू को, उनके सहयोगी समर्थकों को बधाई देने आया हूँ। ये पहली बार चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से और पहली बार ही ऐतिहासिक जीत हासिल की, और तब जीत हासिल की है जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कन्नौज में नंगा नाच किया। इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मुझे, जितना नंगा नाच लोकतंत्र में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किया। यहाँ पर लगातार अधिकारी, कुछ अधिकारी तो पक्ष में थे लेकिन कुछ अधिकारी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे थे। और कभी ऐसा हो सकता है कि विपक्षी पार्टी के नौजवान नेता के साथ व्यवहार खराब हो, हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता के साथ व्यवहार अपमानजनक व्यवहार हुआ, अपमानित किया गया उसको, और सरकार के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर जगह जगह फर्जी आधार कार्ड बने हुए थे। आज के जमाने में जहां पर बीजेपी की सरकार में लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए हो इस बात को लेकर के आधार नकली नहीं बन सकता, अगर एक व्यक्ति की पहचान है तो वो पहचान दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता है। जिस योजना पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हो उस योजना के धज्जियां उड़ा दी गई हो और फर्जी आधार मिले, यहाँ एक तो नहीं मिले हजारों की संख्या में, यहाँ की विधायक महिला होकर के जो व्यवहार करती है, पुरुषों को भी शर्म, मतलब क्या बोलूं मैं, पुरुष भी शर्मिंदा हो जाएंगे। एक महिला विधायक बूथों में घुस जाए, फर्जी वोट डाले, छिबराओं में फर्जी वोट डाला, गुरसाईगंज में विधायिका और उसके सहयोगी समर्थक घुस गए और वोट डाला नकली, जब आधार नकली, वोट नकली, तो इनकी जीत भी नकली है, इनकी असली जीत नहीं है, ये जनता की दिया हुआ फैसला नहीं है, ये बीजेपी के इशारे पर सरकारी लोगों ने जो जीत दिलाई है वो नकली जीत है, धोखे वाली जीत है। इसलिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ और भ्रष्टाचार की जानकारी हमें भी दें जिससे इन अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और इन लोगों को घेरा जाए। सर, उत्तर प्रदेश में सपा सरकार। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।